आपने भी देखा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर युवाओं ने मध्य प्रदेश सरकार की युवा स्वाभिमान योजना के तहत वेतन नहीं मिलने पर क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी को ज्ञापन के माध्यम से वेतन दिलाने की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार की युवा स्वाभिमान योजना के तहत खरगोन जिला मुख्यालय पर युवाओं को फरवरी माह में स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, जल प्रदाय, NULM जैसी शाखाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई थी। इसके एवज में 4,000 रुपये स्टाफमेंट देने की बात भी कही गई थी, जिसके तहत 5 जून 2019 को 2 माह कंप्यूटर सेंटर पर नगर पालिका में पूर्ण हो गए, लेकिन योजना के तहत स्थायी पेड वेतन अभी तक युवाओं को नहीं मिला है। इसी को लेकर युवाओं ने क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी को समस्या से अवगत कराया और जल्द निराकरण करने की मांग की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। की योजना थी युवा स्वाभिमान योजना, उसके अंतर्गत हमने आवेदन किया था, तो उसकी ऑनबोर्डिंग हुई थी 22 फरवरी को, जिसके बाद से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी नगर पालिका में। 10 दिन तक के हमारे हाथ काम करवाया गया, उसके बाद कौशल विकास प्रशिक्षण का मतलब हमको आवंटन किया गया। NIT कंप्यूटर सेंटर डाइवर्सन रोड पर 30 बच्चों की बेंच बनी, उस बेंच में 30 कैंडिडेट डेली जा रहे हैं। 4 घंटे कौशल विकास में बैठते हैं और 4 घंटे नगर पालिका में काम करते हैं। उसके बाद 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं, हमारी सैलरी आ नहीं रही। सैलरी के लिए हम जाते हैं नगर पालिका में बात करते हैं, तो सर से बोलते हैं हंसराज सर से बात करो, वो तुम्हारा सिटी मिशन मैनेजर है। उनसे बात कही गई तो बोलते आगे राज्य सरकार से पैसा नहीं आ रहा, पोर्टल की दिक्कत है, और पोर्टल की दिक्कत 2 से 2.5 महीने से पहले बता रहे हैं। विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक महोदय से हमारी बात हुई है, उन्होंने CMO साहब से बात की है। CMO साहब ने कहा कि जल्दी अगले महीने इसका निराकरण हो जाएगा, सैलरी डल जाएगी आपके अकाउंट में। ज्ञापन दे दिया हमने, विधायक महोदय को ज्ञापन दिया था, विधायक महोदय ने CMO साहब को दे दिया। CMO साहब के द्वारा बताया गया है कि अगले महीने आपकी सैलरी डल जाएगी। 21 बच्चे हैं और 14 बच्चों की पहले लिस्ट बन चुकी है। एक बार सैलरी के लिए 4,000 रुपये थे, वो लिस्ट बनने के बाद भी हमारी सैलरी डली नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? शहजाद खान। बीती रात